आप देख रहे हैं स्वराज भारत लाइव, सच कहने का साहस। बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीख की घोषणा चुनाव आयोग के द्वारा की जा चुकी है। सभी पार्टियां और उनके उम्मीदवार चुनाव की तैयारी में जुट चुके हैं। सभी पार्टियों में उम्मीदवार को टिकट देने को लेकर घमासान चल रहा है। सभी उम्मीदवार अपनी दावेदारी बता रहे हैं। इसी बीच आज हम बात करने पहुंचे आरजेडी के पटना महानगर उपाध्यक्ष पवन कुमार सिंह से। पवन कुमार सिंह ने बताया कि गठबंधन में सीएम का चेहरा तेजस्वी ही होंगे, पार्टी उन्हें मुख्यमंत्री का चेहरा मान चुकी है। पहले तो मैं नमस्कार करना चाहूँगा पूरा बिहार प्रदेश को और अपने पार्टी के माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी को। मैं सम्मान के साथ उनका स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, ताकि उन्होंने बिहार प्रदेश के लिए जो उन्होंने फर्स्ट बार कैबिनेट की बैठक जो बुलाएंगे, वो चुनाव जीतने के बाद मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने बहुत अच्छी बातें बोली हैं कि 10 लाख युवाओं को रोजगार दूंगा मैं पहले कलम से। उनके लिए तहे से दिल से धन्यवाद देता हूँ मैं उनको कि उन्होंने बिहार वासियों के लिए पहला जो पेन उठाएंगे कैबिनेट में वो भलाई की तरफ जाएगा। जब युवा रोजगार में आएंगे तो बिहार का जो है अपने आप भविष्य उज्ज्वल होगा। देखिए, आप लोग भी देख रहे हैं 5 साल 15 साल और 6 साल। 15 साल नीतीश जी को देखा आपने कि उन्होंने क्या क्या वादे किए, और 6 साल अपने प्रधानमंत्री जी को देख रहे हैं कि उन्होंने क्या क्या वादे करके क्या क्या कर रहे हैं बिहार के लिए। उनका कोई भी वादा अगर बिहार के लिए पूर्ण रूप से लागू किया गया हो या भलाई में किया गया हो तो आप लोग से छिपा हुआ तो है नहीं। और आप जो है न्यूज वाले से कोई बात तो छिपी रहती नहीं है, ताकि वो प्रधानमंत्री जी हों या नीतीश कुमार जी हों। और हमारा जो संगठन है राजद का, वो पूर्ण रूप से तैयारी करके बैठी हुई है। हमारे पटना महानगर में जो भी प्रत्याशी को टिकट आलाकमान के द्वारा मिलेगा, पार्टी जो भी तय करेगी उस पर हम लोग काम करेंगे। आप पटना महानगर उपाध्यक्ष हैं, अभी तक आपके पार्टी में टिकट का बंटवारा का कोई नहीं हुआ है, आप कैसे देखते हैं इसको? लेट हो रहा है क्या? और घोषणा हो चुकी है चुनाव आयोग ने, इसी घोषणा से नॉमिनेशन चालू, नॉमिनेशन शुरू हो रहा है, अभी तक टिकट का कोई? देखिए, ये कोई किसी ऑफिशियल वर्क का मुद्दा तो है नहीं, पूरे बिहार प्रदेश की बात है। और इस पे जो रणनीति तैयार करके, क्योंकि हम लोगों को बहुत महत्वपूर्ण चुनाव इस बार लड़ना है और इस बार का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण होगा और बिहार के लिए गौरवशाली की बात है कि अगर आरजेडी सत्ता में आती है तो बिहार का पूर्ण रूप से भविष्य उज्ज्वल होने वाला है। इसीलिए रणनीति जो है बहुत बेहतरीन तरीके से बना के अच्छे प्रत्याशी को टिकट दिया जाएगा। और इसीलिए ये जो कार्यक्रम जो आजकल हो रहा है, और हमें उम्मीद है कि एक दो दिन में हमारा भी टिकट का जो है बात आगे आ जाएगी, सामने आ जाएगी। आपके गठबंधन में रालोसपा बाहर हो गए हैं, कांग्रेस से भी खटपट चल रही है, गठबंधन रहेगी कि आप लोग अकेले चुनाव लड़िएगा? नहीं नहीं, देखिए अभी तक पूर्ण रूप से रालोसपा जो बाहर हुई है उनका उनके ऊपर डिपेंड करता है, हम लोगों ने तो कुछ किया नहीं और ऐसी कोई बात नहीं आई है जो आप बोल लेंगे कांग्रेस भी बाहर हो रही है। कांग्रेस का सीट का पूर्ण रूप से बंटवारा हो चुका है, ये सारे लोग जान गए हैं। और हर घर में 19-20 तो होता है, इसको कोई अटूट नहीं बोला जाता कि अभी टूट चुका है या कोई बरगलाने वाली बात हो रही है, जो है सबके सामने रखा जाएगा। देखिए, हम लोग किसी को तो भगाए हैं नहीं, चाहे कोई भी पार्टी हो, स्वतंत्र रूप से वो अपना अधिकार लेने के लिए हैं, अपनी बात रखने के लिए हैं। उनके मन में क्या तकलीफ है क्या नहीं है, जब तक कोई बात किसी इंसान के सामने जाहिर नहीं होता तब तक बात कैसे माननीय होगा? भाजपा अगर आपकी पार्टी में आती है तो क्या लगता है, मतलब आपकी पार्टी की बेहतर भविष्य? देखिए, संगठन के साथ मेरा मानना है कि संगठन के साथ चुनाव लड़ना और संगठन से अलग होकर चुनाव लड़ना, और आरजेडी कोई बिहार प्रदेश के लिए छोटी मोटी तो पार्टी है नहीं, अभी विपक्ष में हम लोग बैठे हुए हैं और बेटर रहेगा कि वो अगर साथ लड़ते तो। चिराग पासवान कहते हैं कि हम डिप्टी सीएम का उनका कोई शर्त है क्या ऐसा? देखिए सर, सर तो सब कोई रख सकता है, सर तो कल को हम भी रख सकते हैं, बोलने के लिए किसी को स्वतंत्र है, इंडिया हमारा जो है स्वतंत्र है, हर कोई बोल सकता है, खुल के बोल सकता है, वो तो आप भी बोल सकते हैं। अभी जो है चुनाव की स्थिति को देखते हुए आप जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे? जनता को हम यही मैसेज देना चाहेंगे
कि इस बार आप लोग अपना बहुमूल्य वोट सोच समझ कर दें और अपने प्रदेश को एक अच्छी सरकार बनाने की कोशिश कीजिए। और सरकार बनाते हुए भी ये देखिए कि अगर युवा लोग, युवा मुख्यमंत्री बन रहे हैं हमारे तेजस्वी जी, तो बिहार का भविष्य उज्ज्वल होगा। आप पटना महानगर उपाध्यक्ष हैं, कैसे मजबूत कर रहे हैं संगठन को पूरे पटना में, महानगर में सर? देखिए, संगठन हमारा अंदरूनी जब से आचार संहिता लगा हुआ है तब से हम लोग जो डोर टू डोर जाके करना चाहिए, कन्विंस करना चाहिए। हमारी पार्टी लगी हुई है पटना महानगर, पूर्ण रूप से अपने काम में उत्तीर्ण है और ये कार्यक्रम मेरा जारी है। क्या रणनीति बना रहे हैं आगे के लिए सर आप? देखिए, रणनीति जो है, जो भी प्रत्याशी तय होकर आएगी महागठबंधन की, उस प्रत्याशी के साथ हम लोग काम करेंगे खुल के और उनको पूर्ण सपोर्ट देंगे। प्रबंध सिंह, पटना महानगर उपाध्यक्ष, राजद। ऐसे अन्य कई खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट्स दें और हाँ, बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें। धन्यवाद।